चित्रकूट में 26 फरवरी 2024 को नानाजी देशमुख की स्मृति पर निकाला गया विशाल तिरंगा यात्रा। ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना को पूर्ण भूमि चित्रकूट में साकार करने वाले भारत रत्न राष्ट्र ऋषि श्रद्धेय नानाजी देशमुख की 14वीं पुण्यतिथि की अमिट स्मृति में ग्रामोदय विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की समिति द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा का विशाल भव्य आयोजन हुआ। तिरंगा यात्रा में सहयात्री होकर बड़ी संख्या में चित्रकूट वासियों ने समाज सेवा की प्रेरणा पुंज नानाजी देशमुख के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। कार्यक्रम का शुभारंभ देव पूजन भारत माता संत प्रकृति के गौ के पूजन के साथ ग्रामोदय विश्वविद्यालय के संस्थापक भारत रत्न नानाजी देशमुख की 14वीं पुण्यतिथि की पूर्व संध्या में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा ग्रामोदय विश्वविद्यालय से प्रारंभ होकर भरत घाट के लिए गाजे बाजे के साथ सम्पन्न किया। इस दौरान मुख्य रूप से उपस्थित रहे महंत श्री मदन गोपाल दास जी महाराज, पद्म श्री उमाशंकर पांडे, नगर परिषद अध्यक्ष महोदया साधना पटेल, समिति के कार्यकर्ता, कृषि विभाग के डॉक्टर उमेश शुक्ला जी, ओम प्रकाश शर्मा, यात्रा समिति के सदस्य ओमराज तिवारी, हिमांशु शुक्ला, सौरभ त्रिपाठी, सुनीत द्विवेदी, योगेंद्र पाठक, प्रिंस मिश्रा, प्रियांशु शुक्ला, आनंद दीक्षित, वरुण देव सिंह, आशीष सिंह, प्रियांशु सिंह, दिनेश यादव, आदिया सिंह, मधुरम त्रिपाठी आदि बहुत से लोग उपस्थित रहे। छात्र छात्राओं को भारतीय सांस्कृतिक स्वरूप, उद्यम उत्साह और कृतज्ञ भाव दर्शनी प्रशंसनीय रहा। प्रेस रिपोर्टर अजय कुमार, उद्घोषणा की रिपोर्ट। महाराज जी, आप हमें ये बताइए, आपका ये राष्ट्र श्री नाना जी के उसमें विशाल तिरंगा यात्रा निकली हुई, इसमें आपको कैसा लग रहा है? ये राष्ट्र श्री नाना जी देशमुख की पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम हुआ है 26 तारीख के आज, और यह ग्रामोदय विश्वविद्यालय के सभी छात्रों का प्रयास है, जिसमें मुख्य भूमिका ओमराज तिवारी जी की। इन्होंने संतों की सदप्रेरणा से, क्योंकि नाना जी देशमुख ने जो भी यहाँ पर चित्रकूट धाम में कार्य किए हैं वो राष्ट्र को समर्पित किए, आज तिरंगा को लेकर के उनकी पुण्यतिथि पर एक नया संदेश दिया सभी छात्रों ने, कि क्योंकि उन्होंने सर्वस्व जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है, तो हम सभी छात्र भी उनकी पुण्यतिथि पर एक विशाल तिरंगा यात्रा की रैली निकालेंगे, और सबसे बड़ा तिरंगा जो कि 500 मीटर से अधिक का है, और सारे लोगों ने, चित्रकूट के जितने भी लोग थे सारे लोगों ने अपने घर से स्वागत भी किया है, संतों ने भी स्वागत किया है कि ये अद्वितीय कार्यक्रम है, और इससे पूरे देश को प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि भारत रत्न नाना जी देशमुख थे, उन्होंने चित्रकूट धाम तीर्थ तो था ही, भगवान राम की तपोभूमि थी, लेकिन इन्होंने ग्रामोदय की परिकल्पना जो की, गाँव गाँव तक जो संदेश दिया है, भगवान राम ने भी पूरे भारतवर्ष में यही संदेश दिया था वनवासी भेष में कि हम गांव गांव तक जाएं, उन पिछड़े वंचित उपेक्षित लोगों के बीच में जाएं जो पीड़ित हैं, आज तक कोई नहीं गया, उनको एक बहुत बड़ा संदेश नाना जी ने यहां से दिया चित्रकूट धाम से, तो बच्चों को भी लगा कि इतना बड़ा ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, पूरे गाँव को लेकर के काम चल रहा है, तो हम यात्रा तिरंगा यात्रा करें जिसको पूरा देश देखे, और बहुत अधिक उत्साह देखने को मिला है, लोगों ने स्वागत भी बहुत अच्छा। हमें ये बताइए, जो राष्ट्र श्री नाना जी देशमुख की स्मृति में विशाल तिरंगा यात्रा निकली हुई है, इसमें आपका क्या कहना है? चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के संस्थापक भारत सिद्ध नाना जी देशमुख की अमिट स्मृति में उनकी 14वीं पुण्यतिथि पर यह विशाल तिरंगा यात्रा विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के सहयोग से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1000 फीट लंबा ध्वज हमने विश्वविद्यालय प्रांगण से लेकर भरत घाट में संपन्न कराया। यह यात्रा हमारे श्रद्धेय नाना जी द्वारा विद्यार्थियों के लिए किए गए योगदान में, उनकी अमिट स्मृति में यह विशाल यात्रा निकाली जाती है, ताकि विद्यार्थियों के अंदर भी ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की भावना जाग पाए, और अपना यह भारत देश फिर से विश्व गुरु बने, राष्ट्र पुनः निर्माण हो, और पूरे दुनिया में भारत की एक अलग पहचान बने, भारत पूरे विश्व का गुरु हो, जनक हो, ऐसी भावना लेकर हम सभी विद्यार्थी इस विशाल यात्रा को हर वर्ष निकालते हैं।